हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन नीट में 2016 में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे 10 सेकंड के अंदर में करेंगे उसका मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है और पूछा कि किस टाइम पे वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। तो यू नो कि इधर टी का कोफिशियंट ए है प्लस में, इधर टी का कोफिशियंट एफ है, राइट। जब दोनों को हम इक्वल करेंगे और इक्वल साइन के उधर ले जाएंगे तो माइनस तो आएगा ही, राइट। या तो ए माइनस एफ होगा या एफ माइनस है, तो इसलिए या तो ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये हो सकता है, राइट। और टी स्क्वायर का कोफिशियंट इधर बी है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टू टाइम्स बी होगा और ये टू टाइम्स टी होगा। ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे इक्वल साइन के तो प्लस में होगा, तो टू टाइम्स तो आना ही चाहिए, राइट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आपको करना हो तो यू नो वेलोसिटी पी का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सिर्फ ए टी की पावर वन है तो उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर एक कम करते जाना है, राइट। प्लस ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ बी, टी की पावर वन कर देना, एक पावर कम। और वेलोसिटी ऑफ क्यू अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ माइनस टू टी, दोनों को इक्वल करना, राइट। तो ए प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी, इसी के बारे में मैं बोल रहा था, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और ए को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस ए इज इक्वल टू टू टी, दोनों में कॉमन है तो वन प्लस बी। तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा, एफ माइनस ए टू टाइम्स ऑफ वन प्लस बी।